हेलो एवरीवन, जय हिंद। लास्ट लेक्चर में हमने इन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दी इनफाइनाइट लॉन्ग हमने कंडक्टर देखा था और फाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाके लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर। यानी एक सर्कुलर कंडक्टर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसके सेंटर में कितना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपके प्रोड्यूस होती है वो हमें आज आज हम लोग इस थियरी से फाइंड आउट करेंगे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे जिसको हम लोग सर्कुलर कोन में यानी ऐसे सर्कुलर पाथ में हम लोग उसे रखेंगे। देन यानी और उसमें क्या होगा, हमारा करंट आई फ्लो होगा। उसमें हम क्या करेंगे, करंट आई को फ्लो करवाएंगे। देन वो जो करंट हमारा आई फ्लो हो रहा है उसके कारण जो ये पॉइंट पी है जो सेंटर में आपका, वो पॉइंट पी पे आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो वो हम लोग आज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने सर्कुलर पाथ लिया कंडक्टर का वहाँ उसमें आप क्या करेंगे, एक डीएल का एक स्मॉल पार्ट आप लोग कंसिडर करेंगे। यानी पॉइंट वन पे आप लोग डीएल स्मॉल पार्ट में आप लोग कंसिडर करेंगे। जो ये डीएल की जो लेंथ आपने ली, डिफरेंशियल लेंथ जो आपने डीएल ली, वो आपका ये जो आपका कंडक्टर है उससे आपका टेंजेंशियल है। क्यों? क्योंकि ये जो डीएल है वो कुछ एंगल बना रहा है पॉइंट पी के साथ, ठीक है। और ये जो उसकी जो डीएल की डायरेक्शन में जो आपका करंट है यानी डिफरेंशियल करंट जो आप कहते हैं, वो डिफरेंशियल करंट एलिमेंट आपका कुछ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, पॉइंट पी के साथ। तो यहाँ पे थीटा क्या है, आपका एंगल है किस किस के बीच का, आईडीएल के बीच का और यहाँ पे ये जो आपका यूनिट वेक्टर है AR12 के बीच का। यहाँ पे AR12 क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है पॉइंट ए और बी, पॉइंट वन और पॉइंट टू यानी पॉइंट पी इसके बीच में, ओके। और R12 क्या है आपका, यहाँ पे R12 आपका डिस्टेंस है पॉइंट वन से लेके पॉइंट टू के बीच तक का, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी है तो हम क्या करेंगे, बायो सावर्ट लॉ का यूज करेंगे। बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है, आईडीएल क्रॉस ए एन बार डिवाइड बाय 4 पाई आर एन स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आपका आईडीएल क्रॉस ए आर वन टू आपको ढूंढना पड़ेगा। क्यों ए आर वन टू लिया आपने, क्योंकि आपका जो यूनिट वेक्टर है वो आपका पॉइंट टू से पॉइंट वन के बीच में हमें फाइंड करना है, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे आर वन टू यानी ए आर वन टू फाइंड करेंगे, ओके। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है आईडीएल क्रॉस ए आर वन टू, ओके। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ किया है आपकी आइडियल साइन थीटा। कैसे आइडियल साइन थीटा, क्योंकि ये देखिए आपका ये कुछ ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे आइडियल और ये पॉइंट पी के बीच में। अगर आप यहाँ पे अगर आप लोग इसे मान लेते हैं कि आप यहाँ से आप इस चीज को कनेक्ट करते हैं, देखिए मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ, ये वाला हिस्सा अगर आप कनेक्ट करते हैं, ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है किस किस के बीच में, आइडियल और AR12 के बीच में, ओके। तो ये कुछ एंगल आपका बना रहा है थीटा। सो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आइडियल साइन थीटा, ओके। और AR12 क्या है आपका, AN है, एक तरीके का यूनिट वेक्टर है आपका, ओके। तो आपके पास क्या आएगा, आइडियल क्रॉस AR12 की वैल्यू क्या आएगी, आइडियल AR12 साइन थीटा AN, ओके। तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, आइडियल साइन थीटा ए एन, ओके। यहाँ पे ए एन तो आपका यूनिट वेक्टर है ही है, आपको पता है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बायो सावर्ट लॉ का यूज करेंगे और उसमें क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू डाल रखेंगे, देन हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आर इज इक्वल टू आर वन टू है क्योंकि रेडियस है, देखिए जो आर वन टू डिस्टेंस है ये आपकी टोटल रेडियस भी है, तो यानी ये आपका जो आर है जो आप यहाँ पे आर वन टू कंसिडर करते हैं उसकी जगह आप आर भी लिख सकते हैं, ओके। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एच को इंटीग्रेट करते हैं, जो आपने यहाँ पे डीएच फाइंड किया उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास वैल्यू ई आएगी, आईडीएल आई साइन थीटा ए एन डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर और डीएल का होल इंटीग्रेशन, ओके। तो यहाँ पे डीएल क्या है आपकी, डीएल आपकी क्या है, जो आपने जो कंडक्टर आपने कंसिडर किया सर्कुलर पाथ में उसका सर्कमफेरेंस है, ओके। अब सर्कमफेरेंस, सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, सर्कल के सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर, ये मैथमेटिक्स में आता है आपका इजी, ओके। तो अब क्या करेंगे हम,
जो डीएल है आपका, तो यहाँ पे हम लोग 2 पाई आर को यहाँ पे रखेंगे डीएल की जगह। ओके, तो हमारे पास एच की क्या वैल्यू आएगी, एच की पास हमारे पास ये वैल्यू आएगी आई साइन थीटा 2 पाई आर ए एन डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, काटा पीटी करके यानी 2 पाई से 2 यहाँ पे 4 पाई गया तो वो अपॉन 2 करके आई साइन थीटा अपॉन 2 आर ए एन। ओके, यहाँ पे क्या है आपका आईडीएल आपका टेंजेंशियल है सर्कल से, तो आर 12 आपकी यहाँ पे रेडियस है और थीटा जो है आपका वो 90 डिग्री होगा। ये देखिए एकदम क्लियर दिख रहा है, ये टेंजेंशियल है आपका सर्कल से, आपका टेंजेंशियल है। ओके, तो आइडियल और ये जो आपका पॉइंट है इसके बीच में जो थीटा है एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है आपका। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे साइन 90 रखेंगे। ओके, साइन 90 क्या होता है आपका 1 होता है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एच इज इक्वल टू आई अपॉन 2 आर ए एन एम्पियर पर मीटर। यहाँ पे आपका ए एन ए जेड है, अगर आपका सर्कुलर रूप आपका एक्स वाई प्लेन में है तो आप ए एन की जगह ए जेड रख सकते हैं। ओके, तो ये आ गया आपके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच की वैल्यू आई अपॉन 2 आर इंटू ए एन। सो आपके सर्कुलर कंडक्टर के सेंटर में आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, आई डिवाइड बाई 2 आर इंटू ए एन जितनी। ओके, आर क्या आपकी रेडियस है, जितना रेडियस आपने लिया है वो आर आपकी रेडियस है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आर आपका रेजिस्टेंस नहीं है, आर आपकी रेडियस है। ओके, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी कैसे ढूंढेंगे हम, तो हमारे पास सिंपल रिलेशन है बी और एच के बीच में, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एच, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 2 आर ए एन। ओके, नाउ सेकंड टॉप सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो अक्सिस जो सर्कुलर लूप है उसके अक्सिस पे आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप को कंसिडर करेंगे जो हमारा डीसी करंट आई आई हमारा फ्लो हो रहा है उस लूप में से, और उसे हम क्या करेंगे एक्स वाई प्लेन के अंदर रखेंगे। ओके, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में बताया, देखिए ये आपकी सर्कुलर लूप है, ये आपकी एक सर्कुलर लूप है। ओके, इसके अंदर आपका करंट फ्लो कर रहा है आई जितना। ओके, और उसे एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। सो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे एक डिफरेंशियल लाइन डीएल को कंसिडर करेंगे जिसको आप पॉइंट 1 नाम देंगे, और जेड एक्सिस पे आप एक पॉइंट कंसिडर करेंगे जिसको आप पॉइंट P2 नाम देंगे। ओके, और पॉइंट P का ओरिजिन के साथ डिस्टेंस कितना है, जेड जितना। ओके, और जो आपने डिफरेंशियल लेंथ कंसिडर करी है सर्कुलर लूप पे उसका ओरिजिन के साथ कितना डिस्टेंस है, स्मॉल r जितना। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे सिलिंड्रिकल सिस्टम कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डीएल जो हमारे डिफरेंशियल लेंथ कंसिडर करी है तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, डीएल इज इक्वल टू डी आर ए आर प्लस आई आर डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड। तो यहाँ पे लेकिन जो डिफरेंशियल लेंथ है आपका सॉरी जो डिफरेंशियल लेंथ है आपका प्लेन में वो आपका आर है, स्मॉल आर है। ओके, जो आपका एक तरीके से कॉन्स्टेंट है हर जगह क्योंकि वो एक तरीके से रेडियस है आपकी, तो हर एक पॉइंट पे आर आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन भी कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे आपका जेड कोऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे आइडियल जो है आपका, जो आपका यहाँ पे डिफरेंशियल करंट एलिमेंट है आपका जो पॉइंट 1 पे है वो आपका ए फाई डायरेक्शन में है और वो आपका टेंजेंशियल है, सर्कल सर्कल लूप से आपका टेंजेंशियल है। ओके, तो यहाँ पे आइडियल इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर डी फाई ए फाई। ओके, सो आपका जो यूनिट वेक्टर है आपका जो यहाँ पे आपने डिफरेंशियल लेंथ में आप कंसीडर करेंगे ए आर 12 वो आपका डिफरेंशियल करंट एलिमेंट के साथ में ही होगा आपका पॉइंट पी के टूवर्ड्स यानी ए आर 12 होगा, समझ गए। तो आपका ए आर 12 क्या आएगा यहाँ पे आर 12 अपॉन मोड आर 12, सिंपल है। ओके, यहाँ पे देखिए आपका ये फिगर आपको अगर आप ये पॉइंट सिर्फ ये सर्कल ये सिर्फ आप कंसिडर करते हैं कितना हिस्सा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ इतना हिस्सा अगर आप कंसिडर करते हैं ये ट्राइंगल। ओके, तो ट्राइंगल अगर आप कंसिडर करते हैं तो कुछ आपके पास इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट 2 आएगा यहाँ पे, पॉइंट 1 आएगा, देन आपका जो भी डिस्टेंस है वो आएगा। तो यहाँ पे फिगर में फिगर के अकॉर्डिंग आपका आर 12 क्या होगा,
आर वन टू आपका होगा माइनस आर ए आर प्लस जेड ए जेड, अगर आप वन से टू की तरफ कंसिडर करते हैं तो। ओके, यानी आप क्या करेंगे, पॉइंट वन से लेके पॉइंट टू तक जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर वन टू हो जाएगा। यानी माइनस ए आर आपका इतना डिस्टेंस आप कवर करेंगे, इतना डिस्टेंस आप कवर करेंगे, देन उसके बाद ये डिस्टेंस कवर करेंगे, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। सो मोड आर वन टू क्या होगा आपका, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सिंपल है। तो आपके पास ए आर वन टू की वैल्यू आ जाएगी, ए आर वन टू वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये आ जाएगी आपकी ए आर वन टू की वैल्यू। सो अब आप बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, डीएच क्रॉस ए आर वन टू। ओके, तो यहाँ पे ए आर ए फाई और ए जेड, ए आर आपका जीरो है, फाई कंसिडर करेंगे आप क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स वाई प्लेन में है। क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगी, जेड आर डी फाई ए आर प्लस आर स्क्वायर डी फाई ए जेड। ओके, अब यहाँ से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉइंट पी पे डी एच कितना है, डी एच हमारे पास है आइडियल क्रॉस ए आर वन टू डिवाइड बाई फोर पाई आर वन टू स्क्वायर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल एक वैल्यू रख देंगे, देन उसे फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर वन टू को निगलेक्ट करेंगे क्योंकि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ऑप्टेन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आर वन टू को निगलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो टोटल जो एच है जो हमें ऑप्टेन करना है, ये इंटीग्रेट, ये इसको, ये जो इक्वेशन है 8.7.4 उसको इंटीग्रेट करके ओवर द सर्कुलर लूप, तो यहाँ पे क्या होगा, फाई आपका जीरो होगा और उसकी वैल्यू क्या करेंगे आप, जीरो से लेके टू पाई तक आप लोग उसे कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे एक सर्कुलर लूप लिया हुआ है। ओके, सर्कुलर लूप लिया हुआ है इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लेंगे जीरो से लेके टू पाई तक। टू पाई क्यों, यहाँ पे आपकी टू पाई क्या है, आपकी रेडियस टाइप का है आपका, तो इसलिए आप क्या करेंगे, उसे 2 पाई तक आप लोग उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्दर अगर आप ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास h की वैल्यू क्या आएगी, i अपॉन 4 पाई, तो उसकी वैल्यू आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक लेंगे और उसके बाद आप लोग आगे उसे वैल्यू रखेंगे, देन उसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी टोटल h की। वो क्या है हमारे पास टोटल h की वैल्यू, आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर जेड स्क्वायर रेज़ टू 3 बाई 2 एजर एम्पियर पर मीटर। ओके, यहाँ पे स्मॉल आपकी क्या है, रेडियस है स्मॉल आर आपकी, और जेड क्या आपका डिस्टेंस है पॉइंट पी का अलोंग दी एक्सिस। ओके, अगर आपका पॉइंट पी शिफ्ट होता है सेंटर की तरफ एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रूप, तो यहाँ पे आप जेड इज इक्वल टू जीरो कंसिडर करेंगे, तो अगर आपका पॉइंट पी शिफ्ट हो जाता है तो आपका नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जेड इज इक्वल टू आपको जीरो रखना है। सिंपल, ये जो आपका इक्वेशन 8.7.5 यहाँ पे आप z इज इक्वल टू जीरो रखेंगे। ओके, तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू ए जेड, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, i अपॉन टू आर ए जेड एम्पियर पर मीटर। ओके, सो आज के हमारे दो टॉपिक थे जो हमने आज कवर कर लिए, एक तो था आपका h एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर और दूसरा था आपका h ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्पियर सर्किटल लॉ चालू करेंगे, देन उसका प्रूफ भी देखेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ कैसे करते हैं और उसके स्टेप्स भी देखेंगे, देन उसके बाद हमारा एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ जिसमें हमारी तीन एप्लीकेशन आती है, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।